हेलो बच्चों, तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहे, और आज उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या उसी को आप गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है एनसीईआरटी में, डेनियल सेल, तो उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखो, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर बच्चों को टफ बहुत लगता है, और उसका रीज़न ये है कि बच्चे इसके सीधा न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। हम लोग भी जब क्लास ट्वेल्थ में थे, हम लोग भी ये मिस्टेक करते थे कि फॉर्मूला पकड़ के सीधा इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते थे। और ये ऐसा कंसेप्चुअल चैप्टर है कि इसके कंसेप्ट सुने बिना, समझे बिना, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल के हो, नर्स्ट इक्वेशन के हो, चाहे वो फराडे लॉ के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल हो, अगर आप सीधा फॉर्मूला देख के 2-3 न्यूमेरिकल बन गए और फिर सोचेगा कि सारे न्यूमेरिकल बन जाएं, तो आप फंसोगे ना, अच्छे सवाल में फंस जाओगे। तो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं तो आसान, पर लेंदी होते हैं, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, हमारा पहला लेक्चर पूरा आराम से डेनियल सेल आपको समझाएंगे, सेल क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे पोटेंशियल बनता है, ये सारी चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो माई नेम इज़ अलख पांडे एंड दिस इज़ योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो नई हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल भी लोड मत लेना, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही मस्त चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आइए हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाले पे स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो चूहा हुआ खाना छोड़ दें और हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री यानी कुछ केमिकल कंपाउंड्स, या ये बोल दो कुछ केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस होंगे, इन दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा ये चैप्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कभी इलेक्ट्रिकल करंट से हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, कभी किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, या उसका मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, यही है ये चैप्टर। कभी करंट से केमिकल रिएक्शन, कभी केमिकल रिएक्शन से करंट, और कभी उसका मैकेनिज्म। देखो, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़ोगे। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, ठीक है, ये आज पूरी स्टडी करनी है हमको, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अगले लेक्चर्स में आप रिडक्शन पोटेंशियल नाम की एक चीज़ पढ़ोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इन बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर आप नर्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, इन सब में कुछ लेक्चर्स लगेंगे। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल देते हैं, दो तरह की सेल पढ़ेंगे, एक ये वाली, एक ये वाली। यहाँ क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बना, इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा, समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होंगे, या ये बोल दो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, कुछ केमिकल चेंज होगा इलेक्ट्रिकल चेंज से। इसके अंदर फिर आप फराडेज लॉ पढ़ोगे, ये आपने 11th में पढ़ रखा है, यहाँ एडवांटेज मिलेगा जिन बच्चों ने 11th में फराडेज लॉ अच्छे से पढ़ा था। अब जैसे फराडेज लॉ, इसके न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो शुरू के एक दो हलवा सवाल तो हो जाएंगे, पर जहाँ अच्छा सवाल आएगा आप रटा रटाया फॉर्मूला लगाओगे और फेल कर जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ कंडक्टेंस के टर्म्स पढ़ने होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस ऐसे बोल देते हैं,
शायद आपको याद हो क्लास 10th में आपको बताया गया ये बात कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्ट करने का तरीका होता है वो मेटालिक कंडक्टर से अलग होता है. मेटल्स में करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन होते हैं कैटायन एनायन, और उनकी वजह से करंट बनता है. तो इनका पूरा मैकेनिज्म, इनका रेजिस्टेंस है ना, अलग तरह से डील होता है ना. कंडक्टर वाली सेम कहानी, मेटालिक कंडक्टर वाली कहानी नहीं, कुछ नई कहानियां हैं. तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे मोलर कंडक्टेंस, और एक यहाँ पे एक कोलरॉश लॉ आएगा, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा टुवर्ड्स द एंड. तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल. तो इंट्रोडक्शन, और आज ये पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझोगे तो ये समझ में आएगा, तब तुम सेल का ईएमएफ निकाल पाओगे, सेल का पोटेंशियल निकाल पाओगे, और तभी नर्स्ट इक्वेशन समझ में आएगी. आज के लेक्चर से ये चार, तीन चार, पाँच, छः जितने भी लेक्चर बनेंगे ये टॉपिक्स जुड़े रहेंगे. ठीक है, आ सकता चार बन जाए, पाँच बन जाए. आप तो जानते हैं मैं तो छोटे छोटे पढ़ाता हूँ. मिटार दे, लिख लिया इतना इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया. चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से कहानी स्टार्ट करते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में, टॉम एंड जेरी जब कार्टून आता था उस ज़माने में, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कई लोग का फेवरेट टॉम एंड जेरी. उसमें क्या किया कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, कई लोग को पता होगा ये ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना. इसमें हमने एक जिंक की रॉड डाल दी, इसके अंदर हमने एक जिंक की रॉड डाल दी. इस चैप्टर में रॉड वॉड बहुत आएगा, इसको क्या बोलते हैं सबको पता होगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना. तो एक जिंक की रॉड डाल दी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कुछ चेंजेस हुए इसके अंदर. क्या क्या चेंजेस हुए आफ्टर सम टाइम, व्हाट वी ऑब्जर्व, कुछ चेंजेस दिखे हमको. हमें चेंजेस क्या दिखे, पहली चीज दिखी कि जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, जिंक रॉड का वेट थोड़ा कम हो गया ना. हुआ क्या कि जिंक रॉड थोड़ा सा इसके अंदर गल गया, केमिकल रिएक्शन हुए और जिंक रॉड थोड़ा सा इसके अंदर गल गया. ठीक है, ऐसा दिख रहा था, नीचे से थोड़ा सा ऐसे पतला हो गया, ठीक है, थोड़ा गल गया. दूसरी चीज हमने देखी कि ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था इसका ब्लू कलर भी खत्म होने लगा. सो ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे. और क्या देखा हमने, और हमने देखा कि यहां पे इस जगह पे कुछ रेड कलर के प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल चीज दिखाई पड़ी, रेड प्रेसिपिटेट हमें ऑब्जर्व हुआ. और बच्चों हमने यहां पे एक थर्मोमीटर डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक थर्मोमीटर डाला और देखा टेम्परेचर राइज कर रहा है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर राइजेस. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुए इस एक्सपेरिमेंट से, और यहीं से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हुई, यहीं से आइडिया जनरेट हुआ कि ये कुछ हो रहा है. तो पहले तो बात हो रही है कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, इसका कोई रीज़न बताइए आज, है ना, कोई चीज़ सोचा जाए, कोई मैकेनिज्म. तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या सोचा गया, जरा ध्यान से देखें, और वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल का बेसिक होगा. हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, जिंक रॉक रिड्यूस्ड इन वेट, मतलब जिंक रिड्यूस्ड इन वेट, मतलब हो सकता हो जिंक टूट टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ रहा हो. तो जिंक सॉलिड स्टेट से Zn2+, मतलब एक्वस स्टेट में, आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ. यहां से जिंक के आयन सॉल्यूशन के अंदर आने लगे. अब देखो 2+ में आएगा तो शायद दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, बिल्कुल. अच्छा, कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो हमने बोला कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक. ठीक है, फिर कॉपर की बात आई, तो ये जो CuSO4 है इसके अंदर Cu2+ होता है ना, CuSO4 मतलब Cu2+, और इसी का कलर ब्लू होता है. ठीक है, Cu2+ जो आयन होता है ये ब्लू कलर का होता है.
तो Cu2+ जो कि ब्लू कलर का था वो डेफिनेटली खत्म हो रहा होगा, तभी तो ब्लू कलर फेड किया और रेड प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं। तो दोनों चीज सोच के हमें समझ में आया कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए, यहां से जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन, वो Cu2+ ने गेन कर लिए और बना लिया Cu सॉलिड। अब Cu सॉलिड जो होता है बच्चों, कॉपर, वो होता है रेड रंग का, है ना, तांबे का जो कलर होता है ब्राउन सा, रेडिश सा, है ना, तांबा देखा होगा, प्लेटेड घर पे होती है ना, शादी में जाती है, शादी का ख्याल है? सर शादी कैसे होगी मेरी शादी, सर आ जा वापस आ जा, सपने सोचने लगे, सपने चल रहे हैं मन में, शादी होगी क्या बात है ना। तुम ऐसी हालत में जाओगे ना शादी करने, वहाँ भी बोलोगे, पंडित बोलेगा कि मंत्र फूको, गोला घूमो, तुम बोलोगे जिंक ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। ये क्या है कॉपर का, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो हमने देखा एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स समझते हो ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होते हैं तो हम रिडॉक्स। तो हमने देखा यहाँ पे एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि तुरंत एक ही जगह पे हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इनडायरेक्ट वे है कि कहीं से कहीं कुछ जाना पड़ेगा, किसी कहीं नहीं जाना, वहीं का वहीं हो जाना है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। सेम कंटेनर में सारी कहानी खत्म हो गई, सेम कंटेनर में, उसी कंटेनर में ऑक्सीडेशन, उसी कंटेनर में रिडक्शन, तो एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। फिर हमने कहा टेम्परेचर भी राइज कर रहा है तो इसका क्या रीज़न होगा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाए या थोड़े से पुश से हो जाए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जो खुद से हो जाए, है ना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है सर, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है, ए है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से क्या हुआ कि भाई कोई चीज़ खुद से हो रही है, अपनी खुशी से हो रही है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा ये भी एक बात कर लेते हैं। लेस देन जीरो होता है ना, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और क्योंकि रिएक्शन खुद से हो रहा है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन खुशी खुशी कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा, और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिख रही है, अभी हीट के फॉर्म में दिख रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इतनी चीजें हुई हमारे सामने कि ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हुआ, रिडक्शन ऑफ कॉपर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन कर लिए, हमने कहा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि एक ही कंटेनर में हो रहा है, हमने कहा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि खुद से हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही, पर हम इसका फायदा नहीं उठा पाए, मतलब कुछ फायदा नहीं मिला हमें यार, टेम्परेचर के फॉर्म में टेम्परेचर राइज किया, हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर पाए। ये एनर्जी कहां से आई बच्चों, केमिकल एनर्जी से, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, हम करंट नहीं बना पाए जो हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहीं से बेसिक आइडिया चुराया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल का, इतना नोट कर लें फिर आए कि क्या चेंजेस करेंगे जिससे इस केमिकल एनर्जी को हम करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट करना बंद कर देंगे, कोई इनडायरेक्ट मेथड ढूंढेंगे, ठीक है ना। नोट कर लें, इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, मिटा रहे, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, है ना। पर जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो इस नाम से ज्यादा बुलाना चाहती हैं इनको, गैल्वेनिक सेल, या इस नाम से बुलाएगी वोल्टेइक सेल, ठीक है। तो दो तरह की सेल होंगी, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये वो सेल है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन से करंट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी वजह से, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उससे कुछ एनर्जी निकल रही है और उसी एनर्जी को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है, ये आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। जितनी भी अपने पास बैटरी वगैरह होती है ना, उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं,
ऐसे हम लोग के घर में वो रिमोट है, रिमोट में आप बैटरी लगाते हो, उसको ऐसे पट 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 पीटते हो, ठीक है। वो तो गंदी बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो रिमोट के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर क्या भरा है? केमिकल। और उस केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यहाँ हाथ में घड़ी पहने, घड़ी के अंदर भी क्या है? छोटी सी बैटरी होती है। उस बैटरी के अंदर भी क्या है? केमिकल। और उस केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से घूम रहा है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो जितनी भी बैटरीज हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही, वो इसके प्रिंसिपल पे काम करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें कई सेल बन सकती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे अभी हमने, आपने देखा कि हमने एक जिंक लिया, एक कॉपर लिया, कुछ जिंक कॉपर का ही हम बनाने वाले हैं। तो हम जिस सेल की बात करेंगे वो होगी जिंक कॉपर सेल, ठीक है। इसका पॉपुलर नेम है डेनियल सेल। जरा मेरी बात अब ध्यान से सुनना, डेनियल सेल इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसी और भी कई सेल हो सकती हैं जो ये काम कर रही हों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही हूँ। पर जब आप एनसीईआरटी देखोगे और भी डिफरेंट बुक्स देखोगे तो आपके सिलेबस में इसी सेल को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन तो किसी भी सेल पे आता है, क्वेश्चन जब आपका आएगा तो वो किसी पे आ सकता है। क्वेश्चन हो सकता हो निकल सिल्वर सेल पे आ जाए, क्वेश्चन हो सकता हो क्रोमियम लेड लेड सेल, है ना। क्वेश्चन किसी भी आ सकता है, पर जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है किताब में वो इसका दिया होता है। डेनियल सेल आपको डिटेल में पढ़नी होती है, ठीक है। इसका पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है, एट NTP, है ना। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है, पढ़ा जाए। तो हम क्या कराएंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, और इस बार हम उस रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट ना करके किसी इनडायरेक्ट वे से करेंगे, जिससे ये केमिकल एनर्जी हीट में ना चेंज होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या सेटअप होता है, इसको मिटारा जाए। नोट कर लिया, समझ रहे हो जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं वो किसका है, डेनियल सेल का कि सारी सेल का? सारी सेल का। जो उसके अंदर हम पर्टिकुलर एलिमेंट यूज करेंगे वो किसके हैं? डेनियल सेल के। हम जिंक कॉपर के ऊपर पूरी कहानी समझाएंगे, पर वही कहानी निकल सिल्वर पे, क्रोमियम लेड पे, या किसी भी दो एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के किसी भी दो एलिमेंट पे हम लगा सकते हैं। सो डेनियल सेल इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पढ़ रहे हैं क्या? डेनियल सेल, ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? बस एक एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक, वोल्टेइक या इलेक्ट्रो केमिकल सेल। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराना है, रिडॉक्स रिएक्शन से ही काम बनेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, बहुत कुछ लिखना होगा हमको। यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड, या सिंपल कह सकते हो मेटल का रॉड डाल दिया, जिंक का, इसी को इलेक्ट्रोड बोलने लगेंगे आगे हम, जिंक का रॉड डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया? जिंक रॉड डाल दिया। इसके ऊपर कोई अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अभी नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने एक और कनस्तर लिया, ठीक है, कनस्तर, यहां हमने एक और डब्बा ले लिया, ठीक है ना। कई लोग घर पे बैठ जाएंगे अभी, है ना, दो इठो गिलास ले आते हैं सर, आज तो घर पे ही सेल बनेगा। चलो, यहां पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें भी हमने एक रॉड डुबा दिया, और ये रॉड किसका है? ये रॉड है कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड और जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड। ये अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में और ज़्यादा समझ में आएगा ऐसा ही क्यों किया, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बात और क्लियर होगी, अभी तो समझते जाओ। और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया थ्रू सम कंडक्टिंग वायर, और यहाँ पे एक बल्ब लगा लो, या चाहो तो यहाँ पे एम मीटर लगा लो जो बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है। कुछ कुछ बैटरी ऐसा दिख, सेल जैसा दिखने लगा ना, मज़ा आने लगा।
अब हमने देखा कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए, वो स्पॉन्टेनियस हैं, मतलब आप सवाल नहीं उठा सकते कि वो रिएक्शन क्यों हो रहे हैं, वो नेचर में देखे गए। जैसे झरना है, पानी का झरना, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस मार्कर को मैं छोड़ूं तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि कल एग्जाम नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ दोगे? सर मैं नॉलेज के लिए पढ़ेगा। तो एक रिएक्शन देखा गया यहाँ पे कि ये जिंक रॉड में से जिंक के आयंस निकल निकल के बाहर आने लगे। हमने देखा एक रिएक्शन हो रहा है कि जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में सोल्यूशन में बाहर आने लगा, ठीक है। जिंक का क्या होने लगा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ही तो है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा यहाँ से जिंक के आयन Zn2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आने लग गए, और सोल्यूशन पहले से जिंक के आयन्स भी थे। यहाँ से जिंक के आयन्स यहाँ आए, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ये रॉड पे रह गए, ठीक है। तो धीमे धीमे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता जा रहा है। कैसे? देखो जिंक के आयन्स यहाँ गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रह रहे हैं? इनटू द रॉड, ये रॉड में ही रह गए। अब ये इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे यहाँ पे एक्यूबलेट होते होते कंडक्टिंग वायर्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलने लगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स चलते 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 यहाँ पहुँचे। यहाँ भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से हो रहा था। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस थे Cu2+, इन इलेक्ट्रॉन को देखकर एकदम खुश हो गए, क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये Cu2+ इन टू इलेक्ट्रॉन्स को जो उधर से आए हैं फ्रॉम द रॉड, इनको पकड़कर, मतलब अंदर आते ही इनको पकड़कर ये यहां जाकर चिपक गए, ये ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन आया Cu2+ को, भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेके चिपक गए। तो इनका हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है बात? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर चिपक जा रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन पकड़ के यहाँ चिपक जाता है, तो वैसे तो ये न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cu2+ चिपक रहा। बट इसके कंपैरिजन में हम इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड। तो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, बढ़िया करंट फ्लो करेगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो ना, इलेक्ट्रॉन जब इधर चल रहा है तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। आपके फिजिक्स टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, है ना? ये किसका डायरेक्शन हुआ? डायरेक्शन ऑफ करंट, आई। आई बोलता है ना करंट, फिजिक्स का टीचर आपको बताता है कि नहीं? उसको बोलिए, अपने फिजिक्स टीचर को बताया आपको। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। दिख भी रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, हमने पढ़ रखा है फिजिक्स में कई बार, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो ये कहानी हुई पूरी वो आखिर आके। अब ये जो बना, इस पूरे को हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या एक गैल्वेनिक सेल, या वोल्टेइक सेल, यही सेल है। और इस पर्टिकुलर सेल का नाम डेनियल सेल है, बिकॉज इसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाफ सेल्स, आधी आधी सेल, मिला के कंप्लीट सेल है हाफ सेल। इस वाले पार्ट को आप बोलोगे यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अच्छा, ये किस तरफ बनाई? ये लेफ्ट तरफ, और ये हमेशा लेफ्ट तरफ बनती है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ सेल। ऐसा मतलब कस्टम है, तुम बनाने उधर बना सकते हो, पर एक कस्टम बना हुआ है ना, परंपरा प्रतिष्ठा और सम्मान। तो लेफ्ट हाफ सेल। अच्छा, इसका रॉड कैसा है? नेगेटिव। तो इसको हम नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हाफ सेल। और बच्चों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस से कंफ्यूज मत करना, अभी जो बता रहे सुन लो, इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी कंफ्यूज करोगे फिर इलेक्ट्रोड एनोड के थोड़ा परेशान। एनोड, सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल। तो इसके चारों नाम सही हैं। एग्जाम में आपको लेफ्ट हाफ सेल मिल जाता है, कई बार एनोड हाफ सेल, कई बार ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है? कॉपर लेके चिपक रहा है, मतलब रिडक्शन। तो या तो रिडक्शन हाफ सेल, या तो किस साइड है ये? राइट साइड है, तो राइट
हाफ सेल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हाफ सेल, और जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज उसको बोलेंगे कैथोड, तो कैथोड हाफ सेल, ठीक है। याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है इसकी, क्या ट्रिक होती है, लोन, एल ओ ए एन, लोन, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो इससे आप याद रख सकते हो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट में कौन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, और एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा करंट फ्लो किधर से किधर कर रहा है, क्या तो ये भी कई बार पेपर पूछ लेता है कि इन दी एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम, तो एक्सटर्नल में दिख रहा है कैथोड से एनोड फ्लो कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो कर रहे हैं, या जिंक कॉपर पे ही सीधा सवाल पूछ लेता है, जिंक कॉपर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, ये एक्सटर्नल सर्किट है, अभी सर्किट कंप्लीट करेंगे भी इंटरनल सर्किट भी बनाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है हमको। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इस पूरी सेल में एक छोटा सा इश्यू है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे इसमें जिंक के आयंस आते जाएंगे सोल्यूशन में ऑलरेडी जिंक के आयंस भी हैं, सल्फेट के आयंस भी हैं, पर शुरू में सोल्यूशन कैसा है अपना, न्यूट्रल है, जितने जिंक के आयंस हैं उतने सल्फेट के आयंस हैं, तो न्यूट्रल था शुरू में, है ना। मान लो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया होता है, तो ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, तो न्यूट्रलाइज हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। पर ये जो जिंक के आयंस एक्स्ट्रा आते जा रहे हैं, इसकी वजह से ये सोल्यूशन विथ टाइम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा ये, धीमे धीमे जिंक की वजह से। अच्छा, जैसे जैसे जिंक के आयंस बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम आएगा, देखो इसको पूरी तरफ से जिंक के आयंस घेर लेंगे, Zn2+, 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 है ना, गिरते जा रहे हैं। अच्छा, एक टाइम ऐसा होगा इसमें जिंक के आयंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को भागने ही नहीं देंगे ऊपर, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, है ना। जैसे हम राइट हाफ की बात करें, लेफ्ट हाफ की बात करें, तो लेफ्ट हाफ में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर भागना चाहते हैं तो उसको रोक लेगा, कहेगा भैया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, है ना, बगल में छोरा तुम शहर में डिंडोरा कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, और यही खत्म करते हैं इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब जाने की टेंडेंसी नहीं। अब इसमें जिंक उतरना भी नहीं चाहेगा, ऐसे भी देख सकते हो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा जिंक है, तो यहाँ से अब जिंक इसके अंदर आना है, वहाँ देख रहा है पॉजिटिव चार्ज, जाना चाहता है, रिपेल कर दिया कि भैया यहाँ तो हम लोग ऑलरेडी जाते हैं, तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इस तरफ। सेम कहानी इस तरफ क्या था, पहले सॉल्यूशन में सी यू और सल्फेट के आयंस बराबर थे, चार्ज न्यूट्रलाइज था, धीमे धीमे सी यू टू प्लस जा रहा है, तो सॉल्यूशन में सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एसओ फोर टू माइनस ये जाता जाएगा, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे एसओ फोर टू माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, ठीक है। याद नहीं रखना है, ऐसा कोई रटना नहीं है, देखो जिसके रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है उसके सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके रॉड पे नेगेटिव चार्ज है उसके सॉल्यूशन, समझ में भी आ रहा होगा कि कॉपर जा रहा है सल्फेट बचा जा रहा है तो सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज बनता जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एसओ फोर टू माइनस, एसओ फोर टू माइनस, एसओ फोर टू माइनस, एसओ फोर टू माइनस, अब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इतना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। सो राइट हाफ सेल में, राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन prevents inward flow of electron, electron जो अंदर की तरफ आ रहा है उसको रोक देगा। ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे SO4 2 minus ज़्यादा हो जाएगा तो CO2 plus को जाने ही ना देगा, जाने नहीं देंगे तुझे, पकड़ लेगा भाई, कहेगा तुम पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहे हो, हम लोग इतने नेगेटिव में आओ, हाँ। तो ये
दो या एक ही प्रॉब्लम कह सकते हो, एक ही तरह की प्रॉब्लम दोनों में है कि सोल्यूशन में चार्ज डेवलप हो रहा है. हम चाहेंगे सोल्यूशन में चार्ज न डेवलप हो, हम कुछ ऐसा करें कि सोल्यूशन अभी भी न्यूट्रल रहे, कि ये फ्लो चलता रहे यार, वरना ये फ्लो होना बंद हो जाएगा समय के साथ, है ना. फिर वही चालू करो कि बैटरी को मारना, भाई करंट धीमे हो जाएगा कि नहीं, धीमे धीमे करंट धीमा हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, तो करंट धीमा होने लगेगा, फिर तुम बैटरी को ठोकोगे. तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन हम पढ़ेंगे. पहले आप इतना कॉपी करेंगे, यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से, बहुत ईजिली मैंने बताया है. पहले इतना कॉपी कर लें फिर उस सोल्यूशन की बात करें. नोट कर लिया डेनियल सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, लोन, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपना रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल. अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज. मैं वो मिटा दूं उधर चीजें जो लिखी हैं, पक्का मिटा दें ये चीज, ओके. तो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो चार्ज आ रहा है सोल्यूशन में, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये भी मिटा दें, लोन लिख लिया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज नमक का एक पुल बनाएंगे. सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप्ड ग्लास का यू ट्यूब एक ले लो, ठीक है, ग्लास का एक यू ट्यूब ले लो, इन्वर्टेड यू ट्यूब, है ना, यू ट्यूब मतलब यानी यू ट्यूब नहीं, यू ट्यूब ग्लास ले लो, और इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो. उस इलेक्ट्रोलाइट पे भी कंडीशन होती है, इनर्ट होना चाहिए, मोबिलिटी आयंस की अभी बताएंगे वो भी. एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, लाइक इस एग्जांपल में जैसे यहाँ के लिए हम KCl यूज़ कर सकते हैं, K2SO4 यूज़ कर सकते हैं, KNO3 यूज़ कर सकते हैं, NH4Cl यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, अभी बताएंगे क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं यूज़ कर सकते. इन अगर सल्यूशन या अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, ठीक, पहले नोट करो फिर बताएं. अब हम एक नई चीज लेके आए कि सॉल्ट ब्रिज है. सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन अभी लिखवाएंगे हम आपको, पहले इतना नोट करें. सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट होगी KCl, K2SO4, KNO3, NH4Cl, और उस इलेक्ट्रोलाइट के आगे इनर्ट लगाना मत भूलना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. ये बताएंगे इनर्ट का मतलब ये नहीं कि नॉन रिएक्टिव है, KCl तो आपको पता है आयनिक है, रिएक्टिव, बट अभी समझाएंगे. इन अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, अगर पाउडर क्या होता है? अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको मिलेगा, इट इज़ अ मतलब आटे जैसा एक पाउडर है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा. ये किस लिए यूज़ होता है? किसी चीज़ को गाढ़ा बनाने के लिए, ना पाउडर है, इसमें पानी डाल दो थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा. तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये लिक्विड स्टेट देता है, तो आयंस बढ़िया फ्लो हो सकते हैं. अगर पाउडर पूछ ले क्या यूज़ है ना, आप जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हो, है ना, जेलेटिन का भी सेम काम होगा, क्या इसको फ्लो बनाने के लिए, थोड़ा लिक्विड स्टेट हो तो आयंस फ्लो कर सके, आयंस की मोबिलिटी हो सके, है ना. तो अगर पाउडर देख लेंगे, एक बार गूगल सर्च करें, पाउडर है, कुछ ऐसा नहीं पाउडर, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे मान लो हमने पर्टिकुलर ये वाला ले लिया KCl, तो KCl आपको पता है बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयंस में टूट जाएगा, तो ये आयंस में टूट गया, जैसे Cl- और K+ आयंस में टूट गया, ठीक है. अब क्या होगा, Cl- इधर आने लगा और K+ इधर जाने लगा, फायदा क्या होगा इसमें देखो, इस तरफ K+ आएगा तो नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, इस तरफ Cl- आएगा तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन खत्म होगा, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई. आया समझ में? तो सॉल्ट ब्रिज का यही फंक्शन है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही थी कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बन रहा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे थे, उसको खत्म कर दिया. इस तरफ K+ आया, पॉजिटिव वाला कैटायन वाला पार्ट इस तरफ आया, नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ. इस तरफ नेगेटिव वाला आया, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन का खत्म हुआ और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है. ये लगा दिया सॉल्ट ब्रिज से क्या हुआ, इस तरफ Cl- इस तरफ K+,
स्टार्ट हो गया मूव करना. Cl- आने से इधर से पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगा, उधर से नेगेटिव चार्ज, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, इतना नोट कर लें, फिर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखवाएं. इसको मिटा दूं क्या मैं, इसका आपको यूज तो नहीं है, लिख लिया इतना. अच्छा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये भी मिटा दें. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, बोर्ड में आ जाता है सवाल, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन लिखो, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, न्यूट्रैलिटी ऑफ हाफ सेल्स, हाफ सेल्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लगता है. इस पे नेगेटिव चार्ज बन रहा था, इधर पॉजिटिव चार्ज आके नेगेटिव चार्ज खत्म कर दिया, इस पे पॉजिटिव बन रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज आके पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया. दूसरी चीज, इट कंप्लीट्स द सर्किट, है ना, सर्किट देखो धीमे धीमे ब्रेक हो रहा था, ब्रेक क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर आने बंद हो गए, इधर से निकलने बंद हो गए, है ना, बाई अलोइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने वापस चालू कर दिया, सर्किट वापस कंप्लीट हो गया, जो चीज़ प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई. यहाँ नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा और वापस इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट कर दिया कि जाओ भाई तुम वहाँ खुश रहो, हम निकल रहे हैं, उधर हम भाग रहे हैं. यहाँ भी टेंशन खत्म, के प्लस आया, सल्फेट के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, सल्फेट का ठीक है कॉपर, जाओ तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. और तीसरा एक पॉइंट है, अभी लिखवाते समझाते हैं उसको, इट, ये किताब में नहीं मिलता जल्दी, मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको भी हम समझाते हैं. पहले ये दो पॉइंट्स आप लिखें बोर्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. पहला क्या है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स, न्यूट्रल बनाता है. दूसरा, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वापस चालू कर दिया तो सर्किट वापस कंप्लीट हो गया. तीसरा, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये समझते हैं क्या चीज है, मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, आइए इसके बारे में बात करें. व्हाट इज दिस, जल्दी पूछा नहीं जाता ये, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. देखो क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि मान लो, देखो अभी तुमको देखने में लग रहा है कि ऐसे होती है, है ना, कि ऐसे बनाया जाता है, पर जब तुम बैटरी देखते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है, बैटरी में बैटरी इतनी बड़ी, ऐसी बैटरी होती है ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ऐसा थोड़ी ना इसके अंदर दो अलग अलग बाल्टी रखी है, अलग अलग है ना टोकरी रखी, कुछ नहीं, एक ही में सारा कहानी हो गया, सारा खेल एक में कर दिया है. तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक ही कंटेनर होता है और बीच से हम उसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, ये इधर एक हाफ सेल, इधर एक हाफ सेल बना दिया, यहाँ पे हमने जिंक का रॉड लगा दिया, यहाँ पे कॉपर का रॉड लगा दिया, ठीक है. अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो यहां नेगेटिव 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 नेगेटिव. ये चीज देखो जंक्शन है ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन है, ये एक लिक्विड, ये एक लिक्विड, है ना, ये हमारा लिक्विड नंबर वन, ये हमारा लिक्विड नंबर टू, जिंक सल्फेट उधर, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ एक जंक्शन बन रहा है. तो इस जंक्शन पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया. पोटेंशियल कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, फिजिक्स वाला टीचर बताएगा आपको, मुझे क्या पता. तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, तो पोटेंशियल ऐसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है कह सकते हो. तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे करंट को रोक रहा है. वो फील हम आपको पहले ही देख चुके हैं, करंट को कैसे रोक रहा है, काहे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं पाएगा ना. तो ये पोटेंशियल जो है ये अपोज कर रहा है बैटरी के पोटेंशियल को. मान लो बैटरी का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था, और मान लो यहाँ पोटेंशियल बन गया 0.1 वोल्ट, तो बैटरी का नेट पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट, उसके अपोजिट है ना भाई. बैटरी का पोटेंशियल क्या है, देखो इधर पॉजिटिव है ना ओवरऑल, और इधर नेगेटिव है, ध्यान से देखो रॉड को. तो बैटरी का पोटेंशियल ये बनना चाहिए था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये पोटेंशियल उसको अपोज कर रहा है, तो ओवरऑल पोटेंशियल गिरने लगेगा. तो इस चीज को सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज कर देता है. भाई इधर आ गया अपना नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव खत्म करेगा, उधर गया पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव खत्म करेगा, तो धीमे धीमे जंक्शन पोटेंशियल जो बड़ा सा दिख रहा है ये छोटा हो जाएगा, 0.1 से 0.0001 हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता, न्यूट्रलाइज हो सकता है, मतलब मिनिमाइज हो सकता है, वेरी सॉरी, तो मिनिमाइज कर देगा, ठीक है. तो
जंक्शन पोटेंशियल समझ में आया, अपोज कर रहा था सेल के पोटेंशियल को। सेल का पोटेंशियल देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये होना चाहिए था, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन थे। इसके बाद आता है कि सॉल्ट ब्रिज कैसा हो, है ना, कंडीशंस फॉर सॉल्ट ब्रिज, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है सॉल्ट ब्रिज के अंदर उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है इनर्ट हो, ठीक है। बोर्ड में भी ये पूछता है कि इनर्ट का मतलब क्या है, क्या केसीएल इनर्ट होता है? केसीएल इनर्ट तो होता नहीं। देखो इनर्ट का मतलब समझाते हैं, जैसे केसीएल है वो इस पर्टिकुलर सेल के लिए इनर्ट है। ये जो इसके आयंस हैं, इसके जो आयंस हैं के प्लस सी एल माइनस डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ मेटल्स, एनी ऑफ आयंस ऑफ हाफ सेल, एनी ऑफ आयंस रॉड्स ऑफ हाफ सेल, ठीक है। जो इसके आयंस हैं वो जाके ऐसा ना हो कि इनसे रिएक्ट करने लग जाए, वरना कहानी खराब हो जाएगी। अगर रिएक्ट कर गए तो अंदर एक नया केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसकी अलग एनर्जी है, फिर उसका कैलकुलेशन को पता नहीं वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी खा रहा है हीट, तो मतलब समझ रहे हो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि जिंक रिएक्ट करता है सीएल से, ये भी समझो। अब यहीं आपसे कोई कहते हैं ऐसा तो है नहीं सर, जेड एन टू प्लस तो रिएक्ट कर जाएगा सीएल माइनस से, है ना, जेड एन सी एल टू बना लेगा। यहाँ ये भी दिक्कत है, पर जेड एन सी एल टू इज वेरी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, वेरी हाईली सॉल्युबल। ये वापस टूट जाएगा यार, जेड एन सी एल टू बनते ही वापस टूटते ही फिर से क्या बन जाएगा, जेड एन टू प्लस टू सी एल माइनस। तो ऐसे रिएक्शन से दिक्कत नहीं है ना, मतलब रिएक्ट ना करे का मतलब ये नहीं है कि कंबाइन है, तो कंबाइन करके वापस फिर सोल्यूशन में आ गया, दिक्कत ही क्या है। जेड एन सी एल टू बनते ही वापस ब्रेक करके जेड एन टू प्लस टू सी एल माइनस, ऐसे में दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज ना हो कि आके यहाँ रॉड पे चिपक गई फिर निकल ही नहीं रही, या ऐसा आयन ना हो कि यहां के जिंक को पकड़ के डुबा दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया, ये ना हो, है ना, कि आया जिंक को पकड़ा और डुबा दिया सॉल्यूशन में ले जाके, सॉल्युबल हो सॉल्यूशन में, है ना, जो अपने आयंस हैं इनर्ट हो और कैसे हो, सॉल्युबल हो। इनर्ट का मतलब समझ गए, नॉन रिएक्टिव, बट नॉन रिएक्टिव का मतलब ये नहीं कि असल में नॉन रिएक्टिव है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉन रिएक्टिव हो। जैसे यहां पर आप K2SO4 भी यूज कर सकते हो, वो कॉपर से जाके SO4 रिएक्ट तो करेगा, जैसे यहाँ पे आप K2SO4 भी यूज कर सकते हो, K2SO4 में 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो सल्फेट आके कॉपर से रिएक्ट तो करेगा, पर कॉपर सल्फेट बनेगा सॉल्युबल, फिर अगेन वो CO2 प्लस सल्फेट माइनस में वापस आ जाएगा। अब जैसे इसमें एक बढ़िया ये एग्जांपल बनता है कि मान लो सिल्वर इलेक्ट्रोड है अपने पास, मान लो Ag का इलेक्ट्रोड है, तब आप KCl नहीं यूज कर सकते, देन यू कैन नॉट यूज KCl। का है? भाई Ag का इलेक्ट्रोड है, आपने Cl- दिया, बन गया AgCl, और AgCl आपको पता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है, है ना? तो यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ऐसी चीज ना हो कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो या जाके कहीं पे चिपक जाए, एक पूरी लेयर बनने लगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन हो सकता है बट सॉल्युबल कंपाउंड बने जो वापस फिर से आयनाइज कर जाए। पहली कंडीशन यही है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट विद ईदर ऑफ द आयंस और the electrodes, should not stick to them, should not form precipitate with them. Overall तो ये कहना चाहिए, पर किताब में लिखा रहता है react ना करें, ना तो react ना करें पे मेरा सीधा कहानी होती कि Cl- react करता है soluble, but वापस आ गया। अब silver के electrode में ये नहीं use कर सकते, है ना, precipitate formation में लगेगा, तो वहाँ पे हमें कोई और electrolyte use करना पड़ेगा जो precipitate formation ना करे। जैसे silver में हम NH4Cl भी use नहीं कर सकते, है ना, ये भी solid base का एक बढ़िया electrolyte होता है। अब बोलोगे सर KCl वगैरह ही क्यों लिख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। KCl, K2SO4, NH4Cl आपने यही क्यों लिखा? तो ये कहानी है दूसरी कंडीशन पे, कंडीशन फॉर सॉल्ट ब्रिज में। बताया जाए दूसरी कंडीशन, नोट कर ले अपना, नोट कर लिया, मिटा रहे, ओके। दूसरी कंडीशन है कि आयनिक मोबिलिटी बढ़िया हो, गुड आयनिक मोबिलिटी एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक मोबिलिटी तो अपने आप में एक टॉपिक बन जाएगा, मोबिलिटी मतलब मूव करने का उसका टेंडेंसी। तो
मूव करने की टेंडेंसी अच्छी हो, ऐसा नहीं कि यहीं जमा बैठा हुआ है हम जाएंगे ही नहीं, जाने की टेंडेंसी भी हो और बराबर की हो, ये नहीं कि के प्लस पहुंच गया सी एल माइनस बैठा हुआ है अच्छा तुम यूटिलाइज कर लिए हम ना जाएंगे, ऐसा नहीं मतलब साथ में है ना, तो शुड बी इक्वल। इक्वल से क्या होगा, इक्वल से क्या होगा, बोथ हाफ सेल आर न्यूट्रलाइज्ड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में न्यूट्रलाइज हो और अच्छी आयनिक मोबिलिटी होगी, मूव तो करे कम से कम, है ना, क्लियर है। तो ये है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स, कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैंने समझा दिया कभी एक बाल्टी में सारी कहानी हुई, बोर्ड में जल्दी पूछा नहीं जाता। कंडीशंस पहली वाली अच्छे से याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट अपना इनर्ट हो, मतलब इनसे रिएक्ट वगैरह ना करे, चिपके के नहीं, और दूसरा अच्छी आयनिक मोबिलिटी और इक्वल आयनिक मोबिलिटी हो ताकि दोनों हाफ सेल साथ साथ न्यूट्रलाइज हो। नोट कर लें, फिर हम चलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन पे, आज का आखिरी टॉपिक। डेनियल सेल क्लियर हो गया, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ अगर कोई पूछा एमिटर कैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल इधर से नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। आइडियल डेनियल सेल का हमने जो पोटेंशियल मेजर किया है वो 1.1 वोल्ट आता है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 273 पे केल्विन पे नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस पे। चले मिटार दें इसको, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना नेक्स्ट टॉपिक है तो वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ इसका पोटेंशियल निकालेंगे भी कैसे आया, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन, ठीक है, तो बहुत ही हलवा सा टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि इस तरफ आप लेफ्ट वाली सेल, इस तरफ राइट वाली सेल को रिप्रेजेंट करो। जैसे लेफ्ट में क्या होता है, एम कन्वर्ट होता है Mn प्लस एक्वस में, देखा था ना, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, और इस तरफ क्या होता है, Mn प्लस कन्वर्ट होता है M में, इधर क्या हुआ था Cu2 प्लस जाकर चिपक गया था इलेक्ट्रोड पे Cu के फॉर्म में, है ना, जैसे इसको यहां पे हम लिखें तो Zn सॉल्यूशन में उतर आया Zn2 प्लस की तरह और Cu2 प्लस चिपक गया जाके Cu की तरह। अब बोलो समझ में आ गया, ठीक है, हमेशा लेफ्ट में आप ऑक्सीडेशन वाली हाफ सेल को लिखोगे हमेशा, देखो ये ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है Zn से Zn2 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से 2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा, तो इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और यहां देखो 2 प्लस से 0, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन, तो इधर रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को मिला के ऐसे लिख देते हैं Zn से Zn2 प्लस एक्वस और बीच में खड़ी पाइप, दो खड़ी पाइप, ऐसा माना जाता है कि इस खड़ी पाइप का मतलब, इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर रिडक्शन हाफ सेल, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। कई बार इसमें कंसेंट्रेशन भी लिखी होती है, जैसे मान लो जो जिंक सल्फेट लिया था उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, जो कॉपर सल्फेट लिया था उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, तब कैसे लिखोगे, Zn से क्या बनेगा Zn2 प्लस, इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर, सॉल्यूशन में जिंक की कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोलर, फिर यहाँ खड़ी पाइप यानी सॉल्ट ब्रिज, इधर रिडक्शन हो रहा है यानी Cu2 प्लस जाके चिपकेगा, देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है 2 से 0, ये समझो रिडक्शन कैसे हो रहा है, इसे समझनी चाहिए तुमको, 2 से 0 तो रिडक्शन, 0 से 2 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन और इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर, तो जो कंसेंट्रेशन है उसको आप ब्रैकेट में, इसे बगल में लिखने की प्रथा है, जो प्रथा है उसी को फॉलो करते हैं 1 मोलर, तो इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ गया, कंसेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, खड़ी पाइप का मतलब क्या है सॉल्ट ब्रिज है, दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। अच्छा कभी ये मत करना कि कॉपर को उठा के इधर रख दिया जिंक को उधर, गलत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला हमेशा इस तरफ, रिडक्शन वाला हमेशा इस तरफ,
नोट कर लिया। जैसे मैं आपको लिख दूं, आगे भी कराएंगे, क्वेश्चन करा देंगे इसका, सी आर सॉलिड से सी आर थ्री प्लस खच्चर खच्चर, पी बी टू प्लस से पी बी, बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा कि इधर क्रोमियम से सी आर थ्री प्लस बन रहा है, यानी क्रोमियम एनोड है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, और इधर रिडक्शन हो रहा, तो ये रिडक्शन हाफ सेल, पी बी टू प्लस जाके चिपक रहा है कैथोड हाफ सेल। इसके बाद बात आती है सेल रिएक्शन की, इतना नोट करें फिर सेल रिएक्शन के एक दो क्वेश्चन आपको करा के समझा दें। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, देखो सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। देखो पहले मैं हाफ रिएक्शन लिखता हूं, जिंक से बना Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, Cu से बना, सॉरी Cu 2 प्लस ने यही दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और बना Cu, रिडक्शन हाफ सेल। बोले इसमें कोई डाउट, बाकी लिख लोगे यहाँ पे, एक्वस लिख लोगे यहाँ, एक्वस लिख लोगे यहाँ, सॉलिड लिख लोगे यहाँ, सॉलिड। तो ये हाफ सेल के रिएक्शन है। सेल रिएक्शन की कंडीशन है कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, बस यही कंडीशन है। सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड गेट कैंसल्ड, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है आपको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के रिएक्शन को ऐसे जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। जैसे इसमें तो सीधा सीधा जोड़ दोगे, जोड़ दो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। क्लियर, सवाल करेंगे इस पर अब एक, चलिए एक सवाल करिए। राइट द सेल रिएक्शन फॉर Ni2 प्लस Ag प्लस 2 Ag, एक्वस सॉलिड, एक्वस सॉलिड। इसका सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए, हाफ रिएक्शंस भी लिखिए और सेल रिएक्शन भी, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, हाफ रिएक्शन भी और सेल रिएक्शन भी। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, मैं लिखूं पक्का तैयार। चलो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या है रिडक्शन हाफ सेल। सो निकिल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड सिल्वर गेट रिड्यूस्ड, Ag प्लस से Ag बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितना, एक, और Ag सॉलिड, है ना, दिख रहा है ना, एक ही चार्ज है, ये नहीं कि टेप दिया उधर से, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसको ऐसे जोड़ो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड, इनको ऐसे जोड़ो। तो बच्चों यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, मैथमेटिक्स सिंपल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टू से, तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस, तो Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस स्टेट में, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, गिव्स Ni 2 प्लस एक्वस स्टेट में, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में आ गया आयंस, प्लस 2Ag सॉलिड। देखो कोई गलती नहीं, इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी एज इट इज लिख दिया। दिस इज नोन एज सेल रिएक्शन, और इसको सीख लो आगे सेल पोटेंशियल निकालने में बहुत काम आएगा। क्लियर है, एक सेल रिएक्शन आप खुद से लिख के ट्राई करिएगा, होमवर्क में हम छोड़ते हैं आपके लिए रिएक्शन, यहीं पे आज ये वाला लेक्चर रैप अप करते हैं। होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं CR से CR3 प्लस सॉलिड से, इसी कंसंट्रेशन दे देते हैं, चलो 1 मोलर, और कुछ करना नहीं है, जहां एक्वस लिख रहे हो वहां कंसंट्रेशन लिख दो, और PB2 प्लस 1 मोलर से PB सॉलिड। तो इसकी सेल रिएक्शन आप जरा लिख कर ट्राई करिए, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई करना है, इसको दो से और जोड़ देना, छः छः इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो यहीं पे इस चैप्टर को या इस लेक्चर को करते हैं खत्म, चैप्टर तो अभी चलेगा यार, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, वो सेल का पोटेंशियल आया कैसे 1.1 वोल्ट, और अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे वो अलग अलग आता है, अलग अलग कंडीशन में कैसे अलग अलग आता है, सेल का पोटेंशियल कैसे निकलता है, वो बैटरी के ऊपर 1.5 वोल्ट कैसे लिखा होता है, इसकी बात करते हैं। तो आज का थ्योरेटिकल लेक्चर था, पर बहुत इंपॉर्टेंट था आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।